किसानों को कर्ज माफी, जवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा और आम आदमी को मान सम्मान, यही मेरा विजन है। ये कहना है इंडी अलायंस के नागौर लोकसभा से प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का, जो को नागौर की सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में पहुंचे थे। नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा, मकराना विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, सलावत खान, मनीष मिर्धा, पार्षद मकबूल सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान उनके साथ रहे। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह कमेटी के सदर हाजी शमशेर खान ने हनुमान बेनीवाल व साथ आए सभी को साफा व दस्तारबंदी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन के साथ हनुमान बेनीवाल खुद चादर लेकर सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के आस्थाने में पहुंचे और चादर पेश करके नागौर के साथ साथ पूरे देश में कौमी एकता, शांति, भाईचारे और तरक्की की दुआएं की। इस दौरान मुस्लिम समाज की ओर से इंडी अलायंस के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का स्वागत भी किया गया और उनकी जीत के लिए दुआ मांगी गई। मकराना विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने कहा कि नागौर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा सीटों पर इंडी अलायंस की स्थिति बेहद मजबूत है और आने वाली 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन नागौर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने इंडी अलायंस को भरी बातों से जीत दिलाने का मानस बना लिया है। नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा की करारी हार हुई थी। उसके बाद उसी उम्मीदवार को भाजपा ने लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इस चुनाव में भी भाजपा की उम्मीदवार को हार का ही सामना करना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने नागौर सांसद रहते हुए जिस तरह के विकास कार्य नागौर लोकसभा क्षेत्र में कराए हैं वो पहले कभी नहीं हुए और आने वाले दिनों में भी नागौर लोकसभा क्षेत्र के लिए वो कुछ ऐसी ही योजनाएं रखते हैं। बाइट हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी इंडी अलायंस। आपकी बार का मैं खुशी करता पर हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब ने हाजिरी दी, उनकी हाजिरी को कबूल फरमा। सरकार आपकी बारगाह में जिस मकसद से जितने भी जायरीन आपकी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं और बेनीवाल जी ने भी हाजिरी दी, उनकी हाजिरी को खुशी तौर पर कबूल फरमा लीजिए। जिस तरह हमारे हरिंदर जी को बीजेपी नहीं आम उसी तरह से हमारे हनुमान जी बेनीवाल जो सुप्रीमो हैं हमारे राजस्थान के विजय قالله تعالى في شان اجمل في به ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه يا الهي تمہارے خود پلت ہے تیرے در سے خود رست کل پلت ہے تیری ذات عالم میں چانی نہیں تیرے ذکر کے برابر کوئی چانی تیرا اکرم الاکرمی نام ہے کرم سب کرنا تیرا کام ہے तू ही गम रचीजों का गमखार है तू ही बेकतों का मददगार है तुम्हें ने जना बे रसूले करीम करम कर करम या कपूर हो रही गुनाहों की आदत हमेशा रही ना हम से तेरी इबादत गुनाहों से होकर परेशान हाल तेरे दर पे आए हैं या रब तेरे दर पे आए हैं बेचैसी तैसी हर चकू रहमत सरकार आपकी बार का मैं सुप्रीम और सम्मान कही बात हमारे यहाँ के MLA हबीबुररहमान साहब की किशोरी हरेंद्र जी मिर्धा जाकिर हुसैन गोसावत साहब और भी जितने मान्य मंत्री हैं और हमारे दरगाह के सदर हाजी शमशेर विजन मेरा हमेशा यही रहा है कि किसान की कर्ज माफी, जवानों को रोजगार, भ्रष्टाचार का खात्मा, सम्मान स्वाभिमान आम आदमी का, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सम्मान मिले, ये मेरा विजन हमेशा चला है। विकसित राजस्थान, विकसित नागौर प्रयास भी किया। पिछले 5 साल के अंदर आप देखोगे सारा चाहे स्टेट गवर्नमेंट या देश की सरकार ने जो पैसा दिया चाहे केंद्र का था राजस्थान का, उसमें 5 साल का अगर देखोगे तो आप
पिछले 30 साल के अंतर आपको निकल जाएगा कि 5 साल में इतना पैसा नागौर में खर्च हुआ, चारों तरफ सड़कें बड़ी, नागौर शहर के अंदर ही आप देख लो कि दिल्ली का पैसा नागौर शहर के अंदर चारों तरफ खर्च हो रहा है। स्मार्ट सिटी की तरफ नागौर को बना रहे, कितने फ्लाईओवर, कितने आपके अंडर ब्रिज, कितने ओवर ब्रिज, कितने रेलवे के जो काम है, हर मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम काम कराने का प्रयास किया। और विधायकों ने भी यहाँ कोर कसर नहीं छोड़ी, हम सब ने मिलकर स्टेट गवर्नमेंट का पैसा भी हम लाए और दिल्ली का पैसा भी नागौर के अंदर खर्च हुआ। नागौर अब विकास की गति पे अग्रसर है और बहुत आगे जाने वाला, शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में।